पिछले कल बाबा केदार के कपाट क्लोज हो गए हैं, तेरा क्या होगा राज? तैयारी हो गई है अपने घर। इधर पार्टी यहाँ पहुंचेगी। पिछले कल बाबा केदार के कपाट क्लोज हो गए हैं, तेरा क्या होगा राय भाई? यही चिंता सता रही है। अब आगे की अपडेटिंग और आगे के ब्लॉग कैसे बनाऊं, कैसे चलेंगे? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राय सिंह तंदूरी। स्वागत है आपका राय भाई ब्लॉग की एक नई वीडियो में। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता ही है, पिछले 6 महीने से आप लोगों के साथ लगातार बाबा केदार की यात्रा की अपडेटिंग होती रही, और उसके बाद अब बाबा केदार की जबकि कपाट क्लोज हो गए हैं और बाबा अपने गद्दी स्थल उखीमठ में पहुंच चुके हैं। और लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जरूर देखिए। तो साथियों, अब सोच रहा हूँ कि आगे आप लोगों को कौन सी अपडेटिंग हो, कुछ लाइफस्टाइल और कुछ यहाँ के सांस्कृतिक कल्चर से लेकर और पहाड़ों की जो खूबसूरत सी वादियाँ होती हैं और बहुत सारी सी जानकारियाँ भी आगे आपको अपडेट मिलती रहेंगी। तो साथियों, आप अपना सपोर्ट हमेशा की तरह मेरे साथ बनाए रखें। आप लोगों का जो सपोर्ट और जो प्यार मुझे ऐसे पहले मिला है, इसी प्रकार आप आगे भी बनाए रखना। आ गया है वापस अपने घर जाने का और अपने गांव में जाने का और अपने घर पे कुछ टाइम सुकून के पल बिताने का। तो साथियों, मिलते हैं आपको पूरे, अभी तो आज मैं गुप्तकाशी में हूँ और गुप्तकाशी से अभी जाऊँगा 22-23 किलोमीटर, चौमासी गांव है, मेरे गांव का नाम है चौमासी। तो ये है साथियों गुप्तकाशी शहर, छोटा सा कस्बा हमारे गुप्तकाशी, जो केदारनाथ यात्रा का मुख्य बाजार है गुप्तकाशी। और ठीक यहीं सामने ऊपर में विश्वनाथ मंदिर, जहाँ पे कुछ दिन पहले बाबा केदार की डोली रुकी थी 3 दिन पहले। और यहाँ से ठीक सामने यहीं ये है उखीमठ सामने पे, और वहीं पे ओंकारेश्वर मंदिर बीच में दिखाई दे रहा है, वहीं पे बाबा केदार की डोली रहती है। और ये नीचे से यहाँ पे भैंसारी बोलते हैं यहाँ का नाम, और यहाँ से ही एक सड़क जाती है कालीमठ घाटी के लिए, लास्ट गांव चौमासी पहुँचेगी। तो अभी लगभग 10 बज चुके हैं साथियों, और मुझे आज इंतज़ार करना पड़ रहा है गाड़ियों का, क्योंकि गाड़ियाँ शाम को ही हमारे गांव के लिए जाती हैं और फिर और गाड़ियों में थोड़ा महंगा पड़ जाता है। तो मैं अभी कर क्या सकता हूँ, इंतज़ार ही कर सकता हूँ और आपको इधर के नज़ारे ही दिखा सकता हूँ अभी। वैसे घर जाने की खुशी एक अलग ही होती है, और जब बहुत दिनों के बाद अपने घर जाना होता है कहीं से, तो मन में एक अलग ही उत्साह होता है और जो एक्साइटमेंट होता है वो कुछ हाई लेवल का होता है। मेरा भी वही है कि आज फैमिली के पास जाऊंगा और घर में बच्चों के साथ रहूंगा। ये साहब जी भी चल रहे हैं हमारे आगे आगे, ये देखिए बजरंग बली जी के छोटे से गण। केदार पहुंच गए हैं अपने मंदिर के अंदर और मेरी भी तैयारी हो गई है अपने घर। मिलते हैं आज यहां से और पूरे चौमासी तक के सफर में, और अंत में आज मैं घर पहुंच जाऊंगा। और अब आपको गांव की, घर की और शादी विवाहों की अपडेटिंग होती रहेगी।
हरमन साय, ठीक है तू? कहाँ से आ रही है? ठीक जी रे। तो चौमासी गांव में हम पहुंच गए हैं और अब यहां से सिर्फ दो चार सीढ़ियां ऊपर चढ़ के लगभग 250-250 मीटर चल के अपना प्यारा सा घर आ जाएगा। तो अभी चलते हैं घर पे और मिलते हैं आपको घर से। अपने घर में पहुंचने की जो खुशी होती है वो कुछ अलग ही होती है और मैं भी पहुंच चुका हूं फिर से अपने घर पे और यहाँ ठीक सामने पे यहीं पे ये हमारा पूरा मोहल्ला है और ये सामने पे हमारे घर दिखाई दे रहे हैं और अभी चलते हैं घर में। अभी अभी मिलवाता हूँ मैं आपको एक शरारती से, बहुत दिनों तक आप लोगों ने शायद उसे देखा नहीं है, अभी आपसे मुलाकात करवा लेता हूँ अगर शायद घर पे होगा। अभी पूरी चिल्लर पार्टी यहाँ पहुँचेगी। छोटू आजा आजा आजा, नहीं चाहिए क्या? क्या कर रहे कैसे हो? बोला बोल, चल आजा। कौन कौन है तुम? कौन कौन है? कौन है? कौन है वहां देख के बोल, कौन कौन है? तेरा दोस्त आ गया। अरे निकाल ले, हाँ ले 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 ले। और कौन है? और कौन? ले 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 दीदी की भैया। पहले यहाँ पे बोल सबको नमस्ते, बोल सबको नमस्ते, बोल यहाँ पे, बोल कैमरे में, यहाँ पे आके बोल, यहाँ पे। हाय हाय हाय, कैसे हो? बोल सब बढ़िया। चल ले 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 ले, गुंजा को दे, चल ले, तू भी खाएगा। रुक रुक रुक, भाई वगैरह कहाँ रे? भाई वगैरह जा ले, जा चल। अभी घर में भी थोड़ा सा सुकून के पल मिल गए हैं और काफी दिनों से घर से दूर रहना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और खास करके बच्चों के साथ से दूर रहना और कुछ क्रिटिकल सिचुएशन में बाहर रहना थोड़ा टफ लगता है, मगर फिर भी बाबा केदार की इतनी कृपा है कि सभी चीज़ें आसान लगती हैं। तो साथियों आज का ये ब्लॉग आपको थोड़ा लाइफस्टाइल टाइप का और थोड़ा सा ब्लॉगिंग टाइप का देखने को मिला, मगर मेरी कोशिश रहेगी कि कल से मैं लाइफस्टाइल ब्लॉग को अच्छे ढंग से बनाऊँगा और कल मैं अपने फैमिली के सभी मेंबरों के साथ और अपनी मम्मी पापा जितने भी हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं और कुछ अपने गांव को एक्सप्लोर करूंगा और कुछ नई जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय बाबा केदार।